नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। जेडीयू के नेता मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने झारखंड में एक सभा के दौरान विवादास्पद बयान दिया है। हजारीबाग में एक रैली के दौरान अपने भाषण में मौलाना गुलाम रसूल बलियावी शब्दों की मर्यादा भूल गए और उत्तेजना में शहरों को करवला बना डालने की बात कह डाली। इस दौरान सभा में उन्होंने बीजेपी से बर्खास्त नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ जमकर आग उगला, जबकि इसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। वहीं बाद में भी जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने अपने बयान को स्वीकार करते हुए कहा कि उन्होंने करवला बना देंगे की बात भाषण के दौरान कही है, लेकिन करवला शब्द को क्या लोगों ने समझा है। उन्होंने कहा कि हम हुसैन वाले हैं, यजीद वाले नहीं, सब लुटा देंगे, लेकिन मानवता और इंसानियत को नहीं लुटने देंगे। इधर जेडीयू नेता द्वारा दिए गए बयान पर सहयोगी दल आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि हम सभी को भारत के संविधान में जो अधिकार मिला है उसका सम्मान सभी को करना चाहिए और उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। साथ ही आरजेडी प्रवक्ता ने गुलाम रसूल बलियावी को नसीहत देते हुए कहा कि हम सभी को जज्बाती बातों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जज्बाती नारों से समस्या का समाधान नहीं होता है। हालांकि गुलाम रसूल बलियावी के बयान के बाद जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने किनारा करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और किसी भी तरह के विवादित बयानों से बचने की जरूरत है। इधर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने भी गुलाम रसूल बलियावी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार में हो रहे भ्रष्टाचार को छुपाने और मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसा बयान दिया जा रहा है जो सही नहीं है। अरे मैं तो एक्सेप्ट करता हूं कि मैंने कहा है करबला बना देंगे। करबला कुछ समझा है क्या लोगों ने? हम हुसैन वाले हैं, यजीद वाले नहीं हैं, सब लुटा देंगे, लेकिन मानवता और इंसानियत को नहीं लुटने देंगे। आदमियत की इज्जत और प्रतिष्ठा पर दाग नहीं लगने देंगे। भाईचारे की दीवार को दरकने नहीं देंगे। यही तो है करबला, इसी को तो कहते हैं करबला। हम सभी को भारत के संविधान में जो अधिकार मिले हुए हैं और भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुसार कोर्ट और न्याय के निर्णय का प्रतीक्षा करना चाहिए। कोई भी जज्बाती बात या जज्बाती नारों से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। लोगों का इसी तरह के उत्तेजनात्मक बयान से लोगों का भटकाव, अपराध और भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान उनका भी जारी रहेगा। भागलपुर पुलिस को नशे का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस की 22 सदस्यीय टीम ने अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर 24 घंटे के अंदर करोड़ों रुपए के प्रतिबंधित कप सिरप और नशीला पदार्थ जब्त किया है। वहीं इसको लेकर भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए कहा कि भागलपुर पुलिस ने डकैती, लूट, रंगदारी, आर्म्स एक्ट समेत कई 26 आपराधिक मामलों में शामिल अभियुक्त पप्पू सोनार और उसके शागिर्द पप्पू मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पुलिस ने 2.5 करोड़ के प्रतिबंधित कप सिरप और नशीले दवाओं को जब्त कर लिया है। एसएसपी ने बताया कि इसके अलावा पुलिस ने कई अन्य अभियुक्तों को भी छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया है। वहीं भागलपुर पुलिस द्वारा नशे के कारोबारियों के खिलाफ भी की गई इस कार्रवाई को नशीली दवा के विरुद्ध सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। एसएसपी ने बताया कि मामले में बिहार के कई जिलों के तार जुड़ने की जानकारी मिल रही है, जिसके आधार पर गिरोह के खिलाफ प्रदेश स्तर पर भी आगे की कार्रवाई करने की तैयारी है। भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बहुत बड़े संगठित गिरोह जो कि नशे में नशे का कारोबार करता था और जो दवाइयां प्रतिबंधित हैं H1 शेड्यूल में आती हैं उनका बड़े पैमाने पर भंडारण और उसका वितरण भागलपुर में ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी इनके द्वारा माल सप्लाई किया जाता था और ऐसे बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। कुल 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। ये ऑपरेशन पिछले 24 घंटे से अनवरत चल रहा था और इसमें हमारी 4 टीमें DSP सिटी अजय कुमार चौधरी जी के नेतृत्व में 4 टीमें काम कर रही थी, जिसमें हमारे 3 इंस्पेक्टर साहब हैं, अशोक कुमार, संजय कुमार सुधांशु, जवाहर प्रसाद यादव, और हमारे 8 सब इंस्पेक्टर इसके साथ लगे हुए थे, पूर्णेंदु कुमार, राजरतन, संजय कुमार सत्यार्थी, प्रमोद कुमार शाह
मोहम्मद दिलशाद, देवानंद पासवान, राहुल कुमार और एक लेडी, दो लेडी सब इंस्पेक्टर रीता कुमारी और नीता कुमारी, इफ्तिकार खां, पूजा शर्मा, सोनी कुमारी और एक ASI और एक PTC और एक सिपाही। पूरी टीम पिछले 24 घंटों से लगातार रेड कर रही थी। स्विट्जरलैंड और जर्मनी के पर्यटकों को लेकर गंगा बिलास क्रूज जल मार्ग के रास्ते भागलपुर के बटेश्वर स्थान पहुंचा, जहां बीच गंगा में खड़े गंगा बिलास क्रूज से इनलैंड बार्टर के जहाज से पर्यटकों को बटेश्वर स्थान गंगा किनारे उतारा गया। इस दौरान कहलगांव विधायक पवन यादव ने तमाम विदेशी पर्यटकों का स्वागत किया। वहीं इसके बाद विदेशी पर्यटकों ने गंगा किनारे की पहाड़ी पर उकेरे गए पालकालीन शिलालेख को भी देखकर काफी उत्साहित दिखे, जबकि इसके अलावा पर्यटकों को विक्रमशिला महाविहार के भग्नावशेष इलाके में ले जाया गया, जहां विक्रमशिला महाविहार का भ्रमण कर पर्यटकों ने बारीकी से भग्नावशेष और कलाकृतियों को देखा। इधर 8वीं सदी से 12वीं सदी के बीच बने विक्रमशिला बीवी के खंडहर और भग्नावशेष को देखने के बाद उत्साहित विदेशी पर्यटक राजमहल की ओर प्रस्थान कर गए। वहीं गंगा विलास क्रूज और पर्यटकों को देखने के लिए पहुंचे लोगों में भी खुशी का माहौल दिखाई दिया। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क TV। नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता, हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है, पर कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है, और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रखिए, खुशहाल होगा शहर और गांव जब जड़ से मिटेगा हाथी पांव। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। मेरा नाम शंभु पासवान, लोअर नेपाल आई हॉस्पिटल में कार्यरत टेक्निकल स्टाफ हूँ, और मुझे 14 साल से करीब डायबिटीज था, और मैंने इंग्लिश दवा, अंग्रेजी दवा नहीं खाया था कभी, और आयुर्वेदिक दवाइयों पर अपना ही चला रहा था। फिर भी भात खाने से, खाना पड़ने से, कोई चीज़ खाने से मेरा ठीक नहीं हो रहा था, बढ़ जाता था लेवल। और मैंने अढ़ाई महीने पहले, करीब अढ़ाई पौने तीन महीने पहले YouTube पर देखा उसमें विज्ञापन में, तो और लोगों का प्रतिक्रिया देखा जिसको ठीक हो गया था, उसको प्रतिक्रिया में देखा तो लोग बोलते थे ठीक हो गया था, तो मेरे मन में भी आया कि मैं, हो सकता है चलते हैं, हो गया जाए मेरा भी ठीक हो जाए, हैं, इस आशा से मैंने इनके पास यहाँ आया है, और मैंने इसे इलाज कराना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बोले, जिस तरीका से खाने पीने का वैसे ही करके पूरा पूरी ध्यान रख करके ही किया, और समय समय पर TP का जांच, ब्लड शुगर का जांच कराते गया। अब इलाज के कुछ दिन के बाद ही धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया दवाई इनका, ये डायबिटीज़ भी ठीक हो सकता है। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज अढ़ाई महीने के बाद मैं डॉक्टर से अभी रिपोर्ट लेकर आया है, मेरा खाना खाने के बाद PP है 135, और इसके बाद एक हफ्ता पहले 121 था, और मैंने दो कटोरा भात भी खाया, और भात का मात्रा बढ़ाते हुए भी मेरा PP नॉर्मल रेंज से नीचे ही है। मैं मोहम्मद नूर आलम, मैं दामोदरपुर मुजफ्फरपुर से हूँ। मैं करीब 5 साल से डायबिटीज का शिकार था, जो मैं डॉक्टर साहब को पता चल बढ़िया आयुर्वेद से इलाज करते हैं, और इनका कहना था कि मैं सदा के लिए ठीक कर दूंगा। तो हम लोग नौशाद भाई के माध्यम यहाँ आए, जो हमें काफ़ी लाभ हुआ, 2.5-3 महीने में मेरा कंप्लीट हो गया, और मैं अभी आया हूँ तो सारा चीज़ खाकर, मीट, खसी मीट, मटन भी खाकर चेक किया है, तो अब मेरा डायबिटीज़ 146 है।
अब मैं बिल्कुल कंप्लीट हूँ, हर चीज़ मैं खा रहा हूँ, मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस करता हूँ, मैं अभी बहुत खुश हूँ। पहले मैं काम करता था तो बहुत वीकनेस सा महसूस होता था, अब उस तरह का वीकनेस हमको नहीं लगता है, अब बेहिचक हम कोई भी काम कर लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मालदा रेल मंडल में रोजगार मेले के तीसरे चरण में शुक्रवार को रोजगार मेला आयोजित किया गया, जिसमें 53 स्टेशन मास्टर और 28 सहायक लोको पायलट समेत कुल 81 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रस्ताव दिया गया। इस दौरान सीधे भर्ती हुए कुल 75 अभ्यर्थियों को मालदा अपर मंडल रेल प्रबंधक सुजीत कुमार ने भौतिक रूप से नियुक्ति प्रस्ताव दिया, जबकि 6 अभ्यर्थियों को मालदा मंडल में पदस्थापन के लिए ईमेल एवं स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रस्ताव पत्र भेजा गया। वहीं इस रोजगार मेला के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और अधिकारियों के साथ नवनियुक्त रेल कर्मियों को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सभी नए नियुक्तियों के लिए कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स भी लॉन्च किया। बता दें कि यह आयोजन 71,056 नियुक्ति पत्र चरणबद्ध तरीके से वितरित करने के लिए शुरू किया गया है। मौके पर प्रभारी DPO इंद्रजीत कुमार समेत कई रेल अधिकारी और नवनियुक्त अभ्यर्थी मौजूद रहे। तिलका मांझी हटिया रोड स्थित नासवी कार्यालय में शुक्रवार को फुटपाथ विक्रेता संघ भागलपुर की ओर से स्ट्रीट वेंडर्स डे मनाया गया, जिसमें भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न मार्केट से फुटपाथ विक्रेता शामिल हुए। इस दौरान स्ट्रीट वेंडर्स डे को लेकर केक काटा गया, जबकि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार शाह ने स्मार्ट सिटी भागलपुर वेंडिंग जोन में स्ट्रीट वेंडर्स के समावेश एवं आजीविका संरक्षण के लिए व्यवस्था करने की बात कही। उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट की महत्ता पर चर्चा करते हुए कहा कि भारत जैसे देश जहाँ की आधी से ज़्यादा आबादी मध्यम वर्गीय परिवार से आती है, वहाँ लोगों को दैनिक जीवन में ज़रूरत की चीज़ें कम कीमत और सहूलियत से उपलब्ध कराना आवश्यक है। साथ ही कहा कि भागलपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए काफ़ी काम किए जा रहे हैं और लगातार शहर का विस्तार भी हो रहा है, ऐसे में स्ट्रीट वेंडर्स का महत्व और बढ़ गया है, जिसके लिए वेंडिंग जोन बनाकर समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा। इसके अलावा वेंडर्स दिवस के अवसर पर फुटपाथ विक्रेता संघ द्वारा 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन भी जिला प्रशासन के साथ नगर प्रशासन को दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।